Yes, we are live now. Hello everyone. Welcome to your own channel Gupta Gupta Online Videos for Government Exam. हाँ, DK Gupta Online Videos Videos for for Government Government Exam. Exam स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं साइंस एनसीआर टी का क्लास एट्थ के हम बैच चल रहा था उसके lectures चल रहे थे उसी में आज हम चैप्टर नंबर सेवन की बात करेंगे जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधों और अशोकी कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं ठीक है तो जल्दी से देख लेते हैं कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी हाँ बच्चे लाइव आ चुके हैं बच्चे लाइव दिख रहे हैं जल्दी से एक बार जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप फिर हम आज की बैच आज की क्लास शुरू करते हैं वंदना वर्मा आ चुकी है गुड आफ्टरनून वंदना उम्मीद करूंगी कि आप सभी टाइम पर होंगे जल्दी से क्लास शुरू करते हैं ताकि जो बच्चे वेट कर रहे थे उनका और टाइम वेस्ट ना हो तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन की परिचय की तो देखिए क्या है आप जानते हैं जो नेचर है वो एक वरदान है हमारे लिए क्योंकि हमें नेचर से हमें प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है आप जानते हैं हमें पशु पक्षी हम खुद भी हम नेचर से ही हमें मिले हैं तो हम नेचर में रहते हैं तो हमें पृथ्वी के जिस भाग में हम जीवित और निर्जीव दोनों रहते हैं उसे क्या कहते हैं जीव मंडल उसे कहते हैं बायोस्फेयर आप जानते हैं बायोस्फेयर में नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों रहते हैं जिस इसमें जो जीवित प्रजातियां हैं उसकी एक विशाल विविधता शामिल है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं देखिए आप जानते हैं हमारे यहाँ पर हम जो लिविंग बींग है उसकी फूड चेन है तो अलग अलग जो लिविंग बिंग है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं आप जानते हैं हम लोग भी पशुओं को खाते हैं और छोटे पशु जो हैं उनको बड़े पशु खाते हैं जैसे आप जानते हैं घास ले लीजिए घास को कौन खाता है रैबिट खाता है और रैबिट को एक बड़ा जानवर खाता होगा और तो उस बड़े जानवर को हम खा लेते हैं तो यही सारी फूड चेन हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और यही इंटरडिपेंडेंसी को हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप स्थापित करते आपसी संबंध है इससे ही हम अपने जीवन पर समर्थन करते हैं हम अपने जीवन को जीते हैं तो बेसिकली बात यह है कि हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ठीक है आगे की अगर बात करें तो जीवों के इस समुदाय को एक दूसरे के साथ और उनके भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हुए परिस्थिति कहा जाता है आप जानते हैं जब हम उस एनवायरमेंट में रहते हैं जब हम उस एनवायरमेंट में बातचीत करते हैं खाते हैं पीते हैं रहते हैं और उस पूरे एनवायरमेंट को और कुछ नहीं उस एनवायरमेंट को कहा जाता है आपका इकोसिस्टम क्या कहा जाता है परिस्थिति तंत्र याद रखेंगे क्वेश्चन आ जाता है द कम्युनिटी ऑफ जी, इंटरक्टिंग हाँ, बिल्कुल आबिद क्लास डेली होती है और आप जानते हैं क्लास दो बजे शुरू हो जाती है ठीक है जी चलिए चलेंगे आगे अब हम बात करते हैं देखिए अब हम बेसिकली अपनी जरूरतों के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हमें रहने को जगह चाहिए हमें खाने को जगह चाहिए हमें पीने को जगह चाहिए तो हम अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट हम अपने फायदे के लिए जंगलों को वनों को काट रहे हैं और उसी को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन उसी को कहा जाता है वनों की कटाई तो आपको अभी बात करनी होगी डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेस की आपको अभी बात करनी होगी वनों की कटाई की और इसके कारणों की तो बात करते हैं एक जंगल को हटाने या भूमि से पेड़ों की संग्रह की प्रक्रिया और उसके बाद भूमि को गैर वन उपयोग करने में परिवर्तित करने को वनों की कटाई कहा जाता है इसने मानव पर विनाशकारी प्रभाव डाला है आप सभी जानते हैं मनुष्य अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को या फिर ट्रीज जहां पर बहुत सारे हो उसको काटते हैं और उसी को कहा जाता है भाई डिफॉरेस्टेशन क्या कहा जाता है उसको डिफॉरेस्टेशन याद रखेंगे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है और जब हम वनों को पेड़ों को लगाते हैं तो उसको कहा जाता है अफॉरेस्टेशन क्या कहा जाता है अफॉरेस्टेशन या फिर आप कहिए उन्हें कहते हैं प्लांटिंग ठीक है ये कुछ कुछ चीजें आप याद रखेंगे ठीक है प्रमोद कुमार पूछ रहे हैं है मैम एनसीईआरटी साइंस क्लास सिक्स और एट्थ सीटेट के लिए नोट्स बनाते चले मैम प्लीज ओके आ, <coughs> प्रमोद कुमार आपके लिए स्पेशली <coughs> कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली एनसीआर की सिक्स से एट तक मैं आपको पूरा करा रही हूं उसके बाद आपके लिए मैंने कहा था डीके अकेडमी के जो एप्लीकेशन है उस पर मैं आपकी पीडीएफ डाल दूंगी वहां से आप लिमिटेड रेट पे पीडीएफ डाउनलोड करके उसके नोट्स बना ले वहां से आप पीडीएफ खरीद लें भाई फ्री में मिल रही है लिमिटेड रेट पे मिलेगी और आजकल तो फोर्टी ऑफ चल रहा है तो जल्दी ही डालूंगी वहां से आप बाय कर ठीक है चलेंगे आगे अब क्या है बढ़ती जनसंख्या के साथ एक दिन मानव की आवश्यकता भी बढ़ रही है आप जानते हैं भाई जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज है अभी जैसे आपके घर में दो बच्चे थे तो आप कम खाना खाओगे कम चीजें यू यूज करोगे बट जब आपके घर में चार बच्चे हो जाएंगे तो जब चार बच्चे हैं तो वो दो बच्चों का डबल खाना ही तो खाएंगे तो जनसंख्या इंक्रीज हो रही है जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारी जो जरूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रकृति है उसके संतुलन को हिलाते हैं हम फॉरेस्ट को काटते हैं हम जंगलों को काटते हैं ठीक है विशाल आबादी को रहने के लिए अधिक स्थान पर खाने के लिए अधिक भोजन चाहिए आरामदायक जीवन जीने के लिए अधिक समान चाहिए और उपकरण की आवश्यकता भी होती है इसीलिए हम नेचर इससे क्या है सफर करता है जो प्रकृति है इससे क्या होता है पीड़ित होती है ठीक है जी इजी है आगे देखेंगे कट, विन, विनिर्माण कागज, फर्नीचर, उपयोग की जाने वाली लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आज कल क्या है आप पेड़ों को काटते हो अब आप जानते हो भाई अगर आपकी डिमांड पूरी करते हो अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए आप क्या करोगे आप पेड़ों को काटते हो और वही आपके लिए क्या है नुकसानदायक होता है अब आप जानते हो सर्दियों में विंटर्स में ज्यादा सर्दी पड़ती है जो पोलर रीजन है पोलर रीजन आप जानते हो जहां पे बर्फ जमी रहती है ध्रुवीय इलाके पोलर रीजन में जो बर्फ है वो पिघल रही है सर्दियों में और आप जानते हो अगर बर्फ पिघलेगी तो डायरेक्ट जो है वो सन का प्रभाव पड़ेगा अब इससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्या हो रहा है बेटा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो आपके लिए अच्छी नहीं है अब जो बारिश आती है वो फसलों को खराब कर रही है ऐसे ड्रेन हो रही है तो ये दुष्प्रभाव आपको प्रकृति दे रही है कौन दे रही है प्रकृति अभी जो आप कोरोना वायरस का नाम इतना सुन रहे हो वो कोरोना वायरस क्या था चाइना से हुआ वो चाइना वाले जो क्या है जानवरों को खाते हैं प्रकृति के छेड़छाड़ करते हैं तो तभी तो कोरोना वायरस हुआ और उसका जो चाइना जो जिम्मेदार था कोरोना वायरस का उसने पूरे वर्ल्ड को पूरे विश्व को इससे प्रभावित किया तो सभी चीज क्या है प्रकृति ही है ठीक है जी आगे देखेंगे इन दिस फिगर अ फॉरेस्ट इज इस आंकड़ों में भवनों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए एक जंगल जो है वो काटा जा रहा है और पेड़ों का उपयोग कागजात बनाने के लिए कागज बनाने के लिए किया जा रहा है नतीजा इसका क्या होगा हरे भरे जो जंगल हैं वो बंजर भूमि बन जाते हैं हो रहे हैं ठीक है जी क्लियर है आगे देखते अब इसके consequences, अब जब आप वनों को काटते हो तो इसके भी तो दुष्प्रभाव दुष्परिणाम आपको सहने पड़ेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या है तो फर्स्ट सुनिए वनों के कटाई की कटाई पृथ्वी की प्राकृतिक संतुलन पर विनाशकारी प्रभाव डालती है वनों की कटाई के विनाशकारी परिणाम निम्न अनुसार हैं जिसमें से पहला क्या है यह वर्षा में कमी की ओर जाता है और इसलिए फजल के स्तर को कम कर देता है जब जब बारिश नहीं होगी तो आपका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी कम होता जा रहा है तो पानी की कमी का आपको इससे सामना करना पड़ सकता है इससे सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है मीन्स ड्रॉट वाली स्थिति ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना पानी की कमी होना तो ड्रॉट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां लोग पानी और भूख की कमी से जूझ सकते हैं ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं वो टू लेते हैं वो लेते आपको पता सीओ टू लेंगे और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं लेकिन पेड़ों की कम संख्या होने से वातावरण में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी जब पेड़ों की कमी हो जाएगी <coughs> तो जो ऑक्सीजन है वो पेड़ नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन छुट रिलीज़ नहीं होगा इससे क्या होगा सीओ टू बढ़ेगी और अगर सीओ टू इंक्रीमेंट होगी तो गर्मी भी बढ़ेगी और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी और ऐसी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है ठीक है प्रकृति जो है वो रूट जाती है बिल्कुल ठीक है मीरा वेरी नाइस चलो आगे देखें थर्ड पॉइंट क्या है इससे पृथ्वी पर जो तापमान है और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी तापमान मीन्स होता है टेम्परेचर मीन गर्मी ज्यादा होना और प्रदूषण पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन ठीक है आगे देखिए बढ़ा हुआ तापमान पानी के जो चक्र है उसको बदल देता है जिससे कि वर्षा को कम करता है मीन जो वर्षा है जो रेनफॉल है उसमें रिडक्शन हो जाता है और इससे सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है मींस वही ड्रॉट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ठीक है <coughs> आगे देखें फिफ्थ पॉइंट है इससे मिट्टी के गुणों में भी परिवर्तन होता है जो मिट्टी है जो सॉइल है उसमें जो गुण होते हैं उसमें भी परिवर्तन होता है अब आप जानते हैं जो मिट्टी होती है उसका काम क्या होता है वो पेड़ को पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में होती है और मिट्टी उन्हें जकड़ के रखती है पकड़ के रखती है तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी है वो सॉइल इरोजन को जो मिट्टी की ऊपरी परत जो उड़ जाती है उसको आप कहते हो सॉइल इरोजन तो सॉयल इरोजन को भी होने से बचाती है कौन बचाता है भाई पेड़ बचाते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी को भी जो मिट्टी के गुण है जो ऊपर की परत होती है उसी में ही सब उर्वरक उसी में ही सब फर्टिलाइजर्स होते हैं मेन्योर्स होते हैं तो अब जो पेड़ है वो मिट्टी को जकड़ के रखेगा पकड़ के रखेगा तो अब जब पेड़ ही नहीं है तो मिट्टी तो उड़ेगी ऊपर की मिट्टी उड़ी सोल इरोजन हुआ तो मिट्टी के जो प्रॉपर्टीज हैं फर्टिलिटी की उर्वरकता की वो खत्म होती है तो ये पॉइंट है ठीक है क्लियर हो रहा है चलेंगे आगे <coughs> लेकिन पेड़ों की कम संख्या के परिणाम स्वरूप मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है, जो बदले में मिट्टी के निचले हिस्से को उजागर करती है जो कठोर चट्टाने होती हैं, जिसमें कम धरण होता है और कम उपजाऊ होती है ये बात समझ आ गई मैंने पीछे ही बता दिया कि जब ऊपर की परत जो फर्टाइल परत है वो उठ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा जी जो अंदर की जो कड़क मिट्टी है जो उर्वरक नहीं है जो फर्ट फर्टाइल नहीं है वो बाहर आएगी और इससे क्या होगा आपकी जो लैंड है वहां पेड़ नहीं उगेंगे और आपकी जो फर्टिल फर्टाइल लैंड थी वो क्या बन गई मरुस्थलीकरण हो जाएगा वो डेजर्टेड लैंड बन जाएगी बैरन लैंड बन जाएगी और इससे क्या होगा डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा मरुस्थलीकरण हो जाएगा ठीक है जी क्लियर हो रहा है एवरीथिंग इज एवरीबॉडी तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांसेप्ट आपको क्लियर करते चलना है ठीक है वनों की कटाई से क्या होगा मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता होती है ना देखो नीचे तब तो बाढ़ आती है जल धारण करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है जिसके कारण जमीन की ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से में पानी की आवाजाही कम हो जाती है जिससे कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो मिट्टी है वो पानी को धारण नहीं कर पाएगी जिससे जो पानी है वो ऊपर ऊपर पड़ा रहेगा और इससे क्या होगा बाढ़ आने की क्षमता और बाढ़ अगर आई तो मच्छर बीमारियां गंदगी सब कुछ आता है तो बाढ़ नहीं आनी चाहिए ठीक है जी क्लियर है <coughs> चलेंगे आगे अब बात करेंगे फ्लोरा और फोना की बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है फ्लोरा एंड फोना देखिए जो फ्लोरा है उसको अगर आपको याद करना है तो फ्लो मतलब होता है फ्लावर तो बेसिकली ये वनस्पति की बात करते हैं और फोना फोना मीन्स फोन मीन्स आपके एनिमल्स तो ये बेसिकली जीवो की बात करते हैं एनिमल्स की बात करते हैं तो फ्लोरा मीन्स होता है आपके प्लांट्स और फोना मीन्स होता है आपके एनिमल्स ठीक है जी क्लियर हो गया वनस्पति <coughs> और जीव तो बात करेंगे वनस्पतियों और जीवों की प्रकृति के विभिन्न प्रजातियां इस पर रहती हैं एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित पौधे और जानवरों को उस क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों कहा जाता है जो प्लांट्स और एनिमल्स उस जगह उस स्पेसिफिक रीजन पर रहते हैं उनको कहा जाता है फ्लोरा और फोना याद रखेंगे ठीक है अब बात करेंगे पहले फोना की तो एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन जो एनिमल्स होते हैं पर्टिकुलर रीजन के उनको कहा जाता है फोना और जो प्लांट्स होते हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्र के पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्लोरा याद रखेंगे ठीक है एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबडी जी क्लियर है चलेंगे आगे अब हम बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों की प्रजातियों की वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम बात करेंगे कि भाई किस क्षेत्र में किस तरीके की प्रजाति आपको देखने को मिलती है ठीक है जी क्लियर है तो देखिए स्पीसीज एंड इट्स टाइप्स प्रजाति और उसके प्रकारों की बात करेंगे तो जनसंख्या के समूह जो आपस में जुड़ सकते हैं और अपने युवा लोगों को जन्म देने में सक्षम होते हैं केवल उनकी संबंधित प्रजातियों के सदस्यों के पास सामान्य विशेषताएं होती हैं जिन्हें प्रजाति कहा जाता है अब जब स्पीशीज की बात करते हैं जैसे कि एक शे, एक क्षेत्र में क्या है सारे जंगली जानवर हैं, तो वो क्या है उस टाइप की स्पीशीज है अब एक क्षेत्र में वन हॉन राइनो मीन्स एक सिंग वाला राइनो है तो वो उस टाइप की उसकी प्रजाति है स्पीशीज है तो क्या कहा गया जिनकी ब्रीड और जो बच्चों को जन्म देने के लिए कैपेबल क्याप, हैं उसको आप कहते हो स्पीशीज क्या कहते हो जी स्पीशीज उसको क्या कहते हो प्रजाति याद रखोगे ठीक है तो देखते हैं स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो पौधों और जानवरों की प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें आप एंडेमिक प्रजाति या एंडेमिक स्पीसीज कहते हो क्या कहा जो एक जगह पर पाई जाती हैं जैसे कि आप जानते हो आसाम में काजीरंगा में वन हॉन राइनो फेमस है तो वो क्या है वहां के लिए एक एंडेमिक स्पीसीज है ठीक है वे एक क्षेत्र राज्य या देश के लिए स्थानिक हो सकते हैं मीन्स एक राज्य में या एक क्षेत्र में या एक देश के लिए वो स्थानिक है ठीक है क्लियर हो गया होगा उदाहरण के लिए देखिए ग्रेटर वन हॉन्ड ग्रेटर वन हॉन्ड राइनोसॉसर मीन राइनो, राइनो नीलगिरी तेहर फेमस है बताएंगे कहा बंगाल टाइगर्स बंगाल लाइन टेल्ड मेकॉक ये ऊपर फिगर बनी है, देखो लाइन टेल्ड मेकॉक ये रहा लास्ट में ठीक है तो ये आ, विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया में भारत में फेमस है जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में वो हम पढ़ने वाले हैं आगे थोड़ी और अब हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीच की बात करें तो वो देखो पौधों और जानवरों की प्रजातियां जिनकी संख्या एक स्तर तक कम हो रही है जहां वे प्रकृति में नहीं रह सकते वो लुप्त प्रजातियां कहलाती हैं क्या कहा जो पहले तो थे बट अब उनकी जो एग्जिस्ट है अब जो उनकी प्रजाति है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है क्या कहा अब उनकी जो प्रजाति धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है कम हो रही है पहले तो दिखते थे पर आजकल तो दिखने ही बंद हो गए हैं मीन्स उनकी प्रजाति कम हो रही है कम मैंने ये नहीं बोला खत्म हो चुके मैंने कहा उनकी प्रजाति कम हो रही है तो उनको आप कहते हो इनडेंजर्डीज क्या कहते हो लुप्त प्राप्य प्रजातियां क्या कहते हो लुप्त प्राय प्रजातियां इंग्लिश वाले कहिए तो इनडेंजर्ड स्पीसीज जो ऐसे स्पीसीज ऐसे प्रजाति जो डेंजर पे हैं जो खत्म होने वाले हैं एग्जाम्पल पे देखिए बंगाल टाइगर पहले तो दिखते थे आजकल वो इंडेंजर्ड हो गया बट दोबारा आप दिखने लगे हैं स्नोलेपर्ड ब्लैक बग ब्लैक बर्ग आप जानते हैं ब्लैक बर्ग तो बहुत फेमस हुआ है क्योंकि सलमान खान सोलानी सोलानी क्या नाम है सोनाली बेंद्रे तो ये सब ने इसका शिकार किया था क्योंकि इसके अंदर सुगंध आती है है ना तो इसका शिकार किया था जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था तो ब्लैक बर्ग और इंडियन बायसन जिसे आप गौर कहते हो एक्सेट्रा ये ऐसे फोना है जो धीरे धीरे करके लुप्त हो रहे और अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये एक्सटेंट स्पीशीज बन जाएंगे क्या कहा मैंने एक्सटेंट स्पीशीज एक्सटेंट मींस होता है जो विलुप्त हो चुके हैं जो हमें दिखते भी नहीं है ठीक है जी क्लियर हो गया हां जी बिल्कुल ठीक है सबके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ बिल्कुल ठीक है आज की क्लास बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलेंगे आगे आगे देखिए अब हम तीसरे स्पीशीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एक्सटेंट अब मैंने पीछे क्या बताया एक्सटेंट ऐसे होते हैं विलुप्त प्रजाति उनको कहा जाता है जो अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे वो कौन से होते हैं एक्सटेंट होते हैं ठीक है जी एग्जाम्पल देखो इंडियन सिवेंथ्रियम रोमां्रियम राइनोसॉर्स पिंक हेडेड डक ये हमें दिखाई नहीं देते ये आपके सामने नीचे फिगर भी बना दी है ठीक है जी इनका नाम आपको याद करना है क्लियर हो गया भारतीय आरोच सिफेरियम रोमांतरान गेंडा पिंक हेडेड डक और काफी ठीक है इनको आप याद कर लेना हिंदी में टाइप नहीं होता कोई बात नहीं हिंदी में टाइप होगा अब जो ये विलुप्त हो चुके हैं इनको बचाने के लिए भी तो आपको स्टेप उठाने होंगे तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वन और वन जीवों का संरक्षण आपको करना है तो वो कैसे करेंगे देखिए किसी क्षेत्र की वनस्पतियां और जीव प्रकृति का हिस्सा है वे प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में से एक संतुलन बनाए रखते हैं मैंने आपको बताया जो छोटे जानवर होते हैं उनको बड़ा खाता है बड़े को और बड़ा खाता है और उससे बड़े को हम खा जाते हैं तो ये फूड चेन चलती रहती है तो हमें छोटे जानवरों को भी बचाना होगा ताकि बड़े जानवरों को उनको खाना मिल सके तो इसी को आप कहते हो फूड चेन इसको क्या कहते हो फूड की चेन इसको आप कहते हो खाद्य श्रृंखला ओके हाँ बिल्कुल सपना बंचल बिल्कुल ठीक कह रहे हो वेरी गुड आगे देखिए खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के का एक क्रम है खाद्य ऑटोट्रॉप उत्पादकों से शुरू होती है और अंत ऊर्जा की खपत के के साथ समाप्त होती है मींस जो ऑटोट्रॉप होते हैं ऑटोट्रॉप कौन से होते हैं भाई प्लांट्स ही होते हैं है ना तो ऑटोट्रॉप से शुरू होके मीन्स प्लांट से शुरू होके वो कहाँ पे खत्म होती है हाइड्रोट्रोप्स पे खत्म होती है जो इसको खपत करते हैं जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है ये थे आपके पौधे पौधे को खाया ग्रास ओपर ने ग्रास ओपर को खाया छोटी पक्षी ने छोटे पक्षी को खाया आपके स्नेक ने और स्नेक मतलब सांप ने और सांप को खाया ईगल ने तो इसी तरीके से फूड चेन चलती चली ठीक है क्लियर हो गया एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी क्योंकि यही सब चीजें आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है एग्जाम में इसी तरीके से बेसिक पूछेगा और आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है है ठीक चलेंगे आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने वाले पौधों को कहा जाता है ऑटो ठीक है ये बात पता होगी जो खुद अपना खाना बनाते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स पौधों द्वारा उत्पादित भोजन से उत्पन्न ऊर्जा को शाकाहारी जानवरों जो पौधों और पौधों के उत्पादकों को खाते हैं उदाहरण के तौर पे देखिए हिरण बकरी आदि द्वारा लिया जाता है इसके बाद ऊर्जा को मांसाहारी जानवर जैसे कि अन्य जैसे कि बाघ शेर आदि और सर्वाहारी जानवर जैसे कि भालू इंसान आदि इसको खाते हैं सिंपल अगर सरल शब्द में कहूं तो अभी जो शाका जैसे अभी पहने आपको पीछे बताया ये ग्रास थी ठीक है ग्रास को खाया था ग्रास ओपर ने अब जो ग्रास ऊपर है जब वो ग्रास को खाता है ग्रास में रहता है ग्रास को खाता है, तो वो क्या हुआ शाकाहारी हुआ तो शाकाहारी जो जानवर थे उनको कौन खाता है फिर आगे या तो फिर उनको खाएंगे ये आपके मांसाहारी या उनको खाएंगे आपके सर्वाहारी मीन्स कार्निवोरस और ओमनिवरस खाएंगे है ना तो यही तो पूरी फूड चेन चलती आई है क्लियर हो गया ना आपको चीजें क्लियर हो रही हैं ओके एचओ सत्यम कह रहे हैं सब क्लियर हो जाते जब आप अच्छे से क्लियर करते हो अम अमरीन शेफी न्यू स्टूडेंट वेरी गुड डेली क्लास होती है बेटा दो बजे चलिए आगे चलेंगे इन जीवों में से किसी एक की अनुपस्थिति में खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी और बाकी जीवों को प्रभावित करेगी बिल्कुल अगर एक भी चीज गायब होती है तो जो इसके ऊपर वाला जो चीज है जैसे कि अगर बीच में स्नेक नहीं है तो ईगल खाएगा किसको है ना तो इसीलिए अगर बीच से चीजें गायब हुई तो आपको प्रॉब्लम का सफर करना पड़ सकता है ठीक है क्लियर हो गया होगा अब देखिए अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की जीव मंडल भंडार की आप जानते हैं आपके यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है आप, आपके यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट है नेशनल पार्क्स हैं तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और उन, उनमें कौन कौन रहता है तो वो चीजें भी एनसीआरटी ने दी थी जो आपको पढ़नी है ठीक है तो आइए बायोस्फेयर रिजर्व जंगली जानवरों और पौधों के संरक्षण के लिए विस्तारित संरक्षित भूमि माध्य है ठीक है बेसिकली ये जंगली जानवर और पौधों का संरक्षण करते हैं यह क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को बहाल करने के लिए भी है मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफ चलती है किसकी ट्राइबल्स की ठीक है बेसिकली ट्राइबल्स भी रहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एक क्षेत्र है जहाँ पे जैविक विविधता को बनाए रखा जाता है मीन्स यहाँ पे जैविक मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के फोना होंगे अलग अलग तरीके के फ्लोरा होंगे ठीक है चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है वो क्या है अभी आपको पढ़ने होंगे डिफरेंट डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं हिंदी में भी यही नाम सेम होता है तो अभी आप पढ़िए बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा तो देखिए अलग-अलग बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो कौन-कौन से हैं पहला है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कि है गुजरात में आपको ये पढ़ना है दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि है तमिलनाडु में तीसरा सुंदरबंस का बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है वेस्ट बंगाल में चौथा कोल्ड डेजर्ट कोल्ड मतलब होता है सर्दी वाली जगह पर होगा हिमाचल प्रदेश में पांचवा नंदा देवी जो है उत्तराखंड में छठा नीलगिरी जो कि है तमिलनाडु में और केरला कर्नाटका तीनों जगह में पाया जाता है नीलगिरी बायसवे रिजर्व चौथा नेक्स्ट है दिहांग और दिबांग आप जानते हो दिहांग और दिबांग वैली कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में तो वहां पर ही आपको ये बायसवे रिजर्व मिलता है अगला देखिए पंचमही जो पंचमही है वो आपका हिल स्टेशन है वहीं पर बाईस रिजर्व है जो कि है मध्य प्रदेश में एमपी में ओके नेक्स्ट है आपका शेषाचलान हिल्स है आपका आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट देखिए सिमलीफाल जो सिमलीफाल है वो आपका है उड़ीसा में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा ठीक है नेक्स्ट है अंचना कमर और अमरकंटक ये यह है आपका मध्य प्रदेश में मानस नेक्स्ट है मानस ये है आपका आसाम में उसके बाद है काजी जो जोंगा यह आपका सिक्किम में आप जानते हैं काजीरंगा आपके सिक्किम में है ठीक है नेक्स्ट देखिए अगस्त्य मलाई ये आपका है तमिलनाडु और तम, आ, केरला में नेक्स्ट है आपका ग्रेट निकोबार आप जानते हैं निकोबार एंड कहां पर होगा ये है आपका अंडमान एंड निकोबार में ये सब बायसफेयर रिजर्व के एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए जो एनसीआरटी में दिए हैं नेक्स्ट है आपका नौकरेक जो कि आपका मेघालय में याद रखिएगा ठीक है कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी हो गया ये सब आप स्क्रीनशॉट लेक्रीनशॉट के बाद आप इनको साथ साथ पढ़ते चले और लर्न करते ठीक ठीक है है बाकी पे कर लेना ठीक है? अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व की जो इससे बड़ा होता है उसके बाद उससे छोटी होती है आपकी वन्यजीव जीव अभ्यारण्य जिसको आप कहते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो देखिए ये क्या है वन्य जीव अभारण्य वे क्षेत्र है जहां जंगलों और जानवरों को उनके निवास स्थान और उनके आसपास किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से सुरक्षित रखा जाता है हमने पीछे पढ़ा था क्या पढ़ा था बायोस्फीयर रिजर्व जहां पे बहुत खुला वातावरण मिलता है और उनको अलग से हैबिटेट नहीं दिया जाता पर उससे छोटी होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें बेसिक बेसिकली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है ठीक है क्लियर हो गया राफिकुल कह रहे इन्फॉर्मेशन भाई कहां से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मुझे एक बार और अच्छे से क्लियर करेक्ट जरूर करूंगी आगे देखें उनका उद्देश्य जानवरों को उपयुक्त और आरामदायक रहने की स्थिति प्रदान करना है इन क्षेत्रों में जानवरों को मारना अवैध शिकार करना या उन्हें पकड़ना सख्त वर्जित होता है ठीक है ये जानवर यहाँ पे खुले से घूमते हैं और उसके बाद यहाँ जानवरों को मारना और उन्हें पोचिंग मीन्स अवैध शिकार करना साफ साफ मना है आप जा सकते हैं आप घूम सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जिनके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी आगे पर यहाँ पर जा, जानवरों को मारना अवैध शिकार करना मना है ठीक है आगे देखें भारत के अभ्यारण्यों में सुंदर और अद्वितीय प्रदृश्य घने जंगल बड़ी नदियां डेल्टा में झाड़ियां और अपने प्राकृतिक आवास में जानवरों की सुरक्षा के लिए पहाड़ के जंगल भी मौजूद है कहने का मतलब क्या है जो जानवर जिस वातावरण में रहते हैं उसको उसी प्रकार के वातावरण दिया गया जो जैसे जो जंगलों में रहते हैं जो ऊंचाइयों में रहते हैं उनको वैसा वातावरण दिया गया तो ये बेसिकली कैसे होते हैं ये बेसिकली आपकी मैनमेड चीजें बनाई गई जिनसे जो जानवर है उनको प्रोटेक्ट uh, किया गया और उनको आगे फर्दर uh, रहने के लिए उनको वैसा वातावरण उनको वैसा एनवायरमेंट दिया जाता है ठीक है आगे चलेंगे Uh, काले हिरण एग्जाम्पल दे रहे हैं एनिमल्स के काले हिरण सफेद वाले हिरण हाथी सुनहरी बिल्ली घड़ियाल दलदल मगरमच्छ गेंडा अजगर आदि जैसे जानवर खतरे में पड़ने वाले जानवरों में से कुछ है मीन्स ऐसे जानवर जो जिन जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनको लोग अपने यूज के लिए मारते हैं शिकार करते हैं पोचिंग करते हैं उनको इन अभ्यारण्यों में इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा जाता है एग्जांपल आपके सामने है वाइल्ड लाइफ जो एनसीआरटी ने दिए हैं। फर्स्ट है भरतपुर की बर्ड सेंचुरी जो कि है राजस्थान में अगला देखिए छिलिका लेक बर्ड सेंचुरी है जो कि है छिलिका में नेक्स्ट देखिए मुधुमलाई सेंचुरी है जो कि है तमिलनाडु में चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है केरला में नेक्स्ट है परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सीटैट में प्रीवियस पूछा गया था सी टैट में परियार तो ये है केरला में नेक्स्ट देखिए गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि है उत्तराखंड में लास्ट है गिर नेशनल पार्क जो कि है गुजरात में गिर जो बे, बेसिकली किसके लिए फेमस है लॉयंस और टाइगर्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए ठीक है जी काजीरंगा बिल्कुल ठीक है भाई बिल्कुल ठीक वेरी गुड आप साथ साथ इंटरेक्ट करते रहते हो तो अच्छा लगता है ठीक है क्लियर हो गया होगा अब हम बात करेंगे तीसरे की जो कि है नेशनल पार्क ये सेंचुरी से भी छोटे होते हैं नेशनल पार्क तो बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की तो नेशनल पार्क रखे गए तो देखिए वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित किए गए हैं ठीक है वे सभी प्राकृतिक संसाधनों वाले जानवरों को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए सुरक्षित क्षेत्र है जहां वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और वहां निवास स्थान के लिए भी उपयोग कर सकते हैं मीन्स यहाँ पे लोग भी रहते हैं ठीक है निवास स्थान के लिए भी उपयोग कर सकते हैं ठीक है आगे देखिए इन क्षेत्रों शे, को वनस्पतियों जीवों ऐतिहासिक वस्तुओं और प्राकृतिक परिदृश्य सहित पूरे परिस्थिति तंत्र को रक्षा करने के लिए विस्तारित और विविध किया गया है। बेसिकली यहाँ पे फ्लोरा फोना हिस्टोरिक और नेचुरल लैंडस्केप्स भी बनाए गए ताकि जो जानवर हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उनको नेचुरली रहने का मौका मिल सके बेसिकली सेंचुरी से छोटा होता है ओके चलिए अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क के एग्जाम्पल्स की जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं जो एनसीआरटी ने बताए हैं फर्स्ट है आपका रंथमबोर नेशनल पार्क जो कि है राजस्थान में तो दूसरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि है उत्तराखंड में तीसरा है गढ़ नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश जिसे आप एमपी भी कह देते हो शॉर्ट में नेक्स्ट है परियार नेशनल पार्क देखिए परियार सेंचुरी भी थी नेशनल पार्क भी है तो याद रखेंगे केरला में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है आसाम में आप जानते हैं काजीरंगा किस चीज के लिए फेमस है वन हॉन राइनो के लिए आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ ये तो बहुत कॉमन सी होती है नेक्स्ट है सुंदरबंश ये टाइगर के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल में और लास्ट है काना नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश में ठीक है जी बिल्कुल बांधवगढ़ बिल्कुल ठीक है वेरी गुड सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है गुड रंतमपुर बिल्कुल ठीक है वेरी गुड और साथ साथ स्क्रीन लेते चले और काम करते चले ठीक है जी वेरी गुड गेंडे के लिए वेरी नाइस ललिता वेरी गुड मैम जी चश्मे से भी नहीं दिख रहा क्या बात नहीं दिख रहा मतलब थोड़ा जूम कर दू क्या एक्चुअली uh, मेरे पास जो है चीजें मेरे पास फोन है मेरे पास सब चीज है उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है तो जिसको क्लियर दिखाई नहीं देता ना वो यहां पर साइड में ना तीन बटन दिए होते हैं ठीक है इन तीन बटनों को क्लिक करोगे तो आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन आएगा क्वालिटी तो उस क्वालिटी को ना फोर तक बढ़ा दिया करो फोर एटी कर दिया करो तब क्लियर दिखाई देगा ठीक है राहुल कुमार समझ आ गया होगा छोटे तो अक्षर हैं मैं जूम कर देती हूं थोड़ा एक बार और थोड़ा सा जूम देखिए अब क्लियर होगा रंथमपुर नेशनल पार्क राजस्थान उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड उसके बाद बांधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश उसके बाद परियार नेशनल पार्क केरला नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम सुंदरबंस वेस्ट बंगाल और लास्ट है कहना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं ठीक है जी हम चलेंगे आगे आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आ जाइए अब हम बात करते हैं रेड डेटा बुक की रेड डेटा बुक ऐसी बुक होती है जो एनिमल्स इंडेंजर्ड हैं और जो एनिमल एक्सटेंड हो चुके हैं मीन सिर्फ इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों के बारे में बताया जाता है कि जो प्रजाति अभी है रिसेंट में या जो प्रजाति डेंजर जो प्रजाति क, जो प्रजाति या फिर पौधे या फिर जानवर जो खतरे में है जो लुप्त होने की खतरे में है इनडेंजर्ड हो चुके हैं उसके बारे में जो रिकॉर्ड जो बुक बताती है उसको हम कहते हैं रेड डेटा बुक ये इस तरीके की बुक होती है ठीक है पौधों जानवरों और अन्य विभिन्न प्रजातियों के लिए यूज की जाती है रेड डेटा बुक लाल डेटा पुस्तकें यह प्रकृति संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय संघ जो जिसे हम बोलते हो आई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये इसकी फुल फॉर्म है ठीक है यहां पर बनाई गई है ठीक है इसके लिए बनाई जाती है ठीक है इसमें प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की सबसे अद्यतन जानकारी शामिल है मीन्स जो ग्लोबली जो आपके एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं जो आपके फ्लोरा फोना है वो गायब होने के आधार पर है वो इस बुक में स्पेशली लिखा जाता है अब हम बात करेंगे आगे माइग्रेशन की प्रवास की क्योंकि हम फ्लोरा फोना का पूरा पढ़ रहे हैं आज तो फ्लोरा एंड फोना जो है वो माइग्रेट भी तो करते हैं ना फोना ठीक है बर्ड जो है वो माइग्रेट करते हैं जिन्हें आप कहते हो माइग्रेटरी बर्ड्स तो उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ठीक है आगे बात करते हैं पक्षी और जानवर साल के एक निश्चित अवधि में कई कारणों से अपने स्वयं के निवास स्थान से एक अलग निवास स्थान की यात्रा करते हैं ठीक है मीन्स वो एनवायरमेंट वो क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को बदलते हैं ठीक है तो इस घटना को माइग्रेशन कहा जाता है इस घटना को अनुकूलन माइग्रेशन कहा जाता है और माइग्रेट करने वाले जो प्रजातीय माइग्रेटर्स कहा जाता है जो माइग्रेट uh, करते हैं जो यहां से वहां जाते हैं क्लाइमेट uh, जब बदलता है तो वो अपने आप को बदल देते हैं अपना रहन का स्थान बदलते हैं उनको आप कहते हो माइग्रेटर्स ठीक है वे रोमांचकारी गर्मी या ठंड से पीड़ित होने से बचने के लिए पलायन करते हैं पलायन मतलब होता है माइग्रेशन करते हैं जो कुछ प्रजातियों के भोजन की उपलब्धता पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं ठीक है थीके? क्लियर हो गया अब देखिए जहां पर वो प्रजाति आती है माइग्रेट करती है पलायन करती है वहां भोजन की उपलब्धता करानी पड़ती है ठीक है पक्षी और जानवर ऐसी कठोर परिस्थितियों को छोड़ देते हैं जो अलग निवास स्थान की तलाश करते हैं जहां वे आराम से रह सके और जीवित रहने के लिए भोजन कर सके कहने का मतलब क्या है एनवायरमेंट बदलता है क्लाइमेट बदलता है तो वो अपना निवास स्थान भी बदल लेते हैं अपने कंफर्ट के लिए अपने सर्वाइवल के लिए ठीक है जी हो गया इतना पढ़ना हाँ। बिल्कुल ठीक है एजुकेशन स्टडीज राज ने बिल्कुल अच्छा कहा वो मैं अभी बताने वाली हूं आगे वो है आपकी साइबेरियन पंछी वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी नाइस तो चलेंगे आगे अब हमें अपने बायोस्फेयर को कंजर्व करने के लिए कुछ तरीके कुछ संरक्षण के तरीके कुछ वेज जानने हैं ताकि अपने बायोस्फीयर को बायोस्फीयर मतलब क्या है ऐसा निवास स्थान जहां लिविंग और नॉन लिविंग साथ रहते हैं ठीक है थीके? उसको उसको हम सेव कर सके उसको बचा सके बचा तो उसके तरीके देखिए एक स्वस्थ जीव मंडल इन इसमें रहने वाले प्राणियों के स्वस्थ पदार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने पर्यावरण की रक्षा करना इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखना जीव मंडल के अन्य जीवित जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करना हमारा नैतिक कर्तव्य है ठीक है अब जानते हैं कर्तव्य तो है ही जब आप उस चीज को यूज करते हो जब आप पौधों, मतलब आप पौधों और जानवरों का जब इस्तेमाल करते हो अपने रहन सहन को अच्छा करने के लिए तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको अच्छा वेल बिहेव अच्छी ग्रोथ डेवलप करें ठीक है उसके लिए जीव मंडल में प्रत्येक प्रजाति एक दूसरे पर निर्भर है आप जानते हो फूड चेन हाँ, एक दूसरे पर निर्भर है मैं बता चुकी हूँ इसलिए किसी भी प्रजाति का विलोपन दूसरी प्रजातियों के स्वस्थ जीवन को दाव पर लगा सकता है इसलिए मानव द्वारा जल्द से जल्द उठाए जाने वाले कुछ प्रमुख कदम हैं अब आपको आएंगे स्टेप्स जो मानव को उठाने चाहिए ठीक है जी आइए फर्स्ट क्या है ऑफ़ पेपर्स पेपर्स को करना का करना कागज का पूर्ण चक्रण जो पेपर आप जानते हैं बहुत सारे पेड़ कटते हैं तब तो आपका पेपर बनता है और पेड़ कटने का मतलब पर्यावरण से छेड़छाड़ करना उसका भी सबूत पहला क्या है पेपर तो देखिए कागज के गुडे से कागज बनाए जाते हैं मीन्स पेपर पल्प से पेपर बनाए जाते हैं और पेपर पल्प निकलता कहा से भाई वुड से ठीक है इसलिए कागज के बढ़ते उपयोग का मतलब है पेड़ों की बढ़ती मांग इसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई होती है जो कि जीव मंडल के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है इसलिए हमें आर्थिक रूप से कागज का उपयोग करना चाहिए मींस जितना चाहिए उतना मींस इकोनॉमिकली वेस्ट ना करें यूज ना करें ऑनलाइन का जमाना है ऑनलाइन यूज करें ठीक है आगे चले हमें पेड़ों की कटाई को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कागजों का पुण्य उपयोग करना चाहिए मीन्स अगर आपने कागज को बेस नहीं करना उसको रिसाइकल करके दोबारा उपयोग करें उसका फिर से उपयोग करना चाहिए यह है रेड साइन पेपर का ठीक है आगे आइए सेकंड जो है वो है आपका रिफॉरेस्टेशन मीन्स वनीकरण इसको आप अफॉरेस्टेशन भी कह सकते हैं गलत नहीं होगा वनीकरण मींस पौधों पौधों को उगाना वन को संरक्षण करके और पौधे उगाना दैट इज अफॉरेस्टेशन दैट इज रिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सब बच्चे लाइक कर दो शाबाश वेरी नाइस राहुल कुमार कह रहे हैं सब बच्चे लाइक क्यों नहीं कर रहे हो करो लाइक शाबाश एक और महत्वपूर्ण पहल है जिसे एक जिम्मेदार जीविका के रूप में लिए जाना चाहिए वो है अधिक से अधिक पेड़ लगाना हमने पहले ही वनों की कटाई के विनाशकारी परिणामों पर चर्चा की इसलिए उन परिणामों को ध्यान में रखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए वनों की कटाई की दर को कम करना चाहिए मैंने आपको बताया यार ये सबसे बेस्ट है कि आप पेड़ लगाएं चाहे आप एक साल में पचास पेड़ लगाए बीस पेड़ लगाए पर पेड़ तो लगाएं अगर एक भी बंदा एक साल में बीस पेड़ भी लगाएगा तो कितने सारे पेड़ लग जाएंगे तो अफॉरेस्टेशन प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज ठीक है क्लियर हुआ आगे कुछ आपके कुछ क्वेश्चन बिल्कुल जू कह रही है मैम लाइक कर दिया है वेरी गुड <laughs> लाइक करते चलो पढ़ते चलो और इसका आगे भी यूज लाइफ में आगे भी यूज करना है तो प्लेलिस्ट खत्म हो जाती है बट आपकी लाइकिंग आपके जो यूट्यूबर्स हैं, वो हमेशा रहते हैं ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज अ जंगल को क्लियर करना जंगलों की सफाई जंगलों की कटाई क्या कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन डिफॉरेस्टेशन या फिर सैनिटेशन वनीकरण मर, मरुस्थलीकरण वनों की कटाई या फिर स्वच्छता बताइए वेरी गुड प्रीति तिवारी वेरी इंप्रेसिव जल्दी से आंसर दे वेरी सिंपल क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा क्या हाँ जी बिल्कुल जूही ने तो कमेंट्स में भी पेड़ लगा दिए वेरी गुड बताइए क्या हो सकता है बिल्कुल ठीक है वेरी गुड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डी फॉर वेरी गुड चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू वनों की कटाई क्या होती है वनों की कटाई क्या होगी सोचिए वन, वन को काटोगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड इनक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी ऑप्शन नंबर बी इम्बैलेंस ऑफ ओ टू और सीओ टू इससे क्या होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में इम्बैलेंस होगा कार्बन डाइऑक्साइड इम्बैलेंस मीन होता है उन दोनों में संतुलन नहीं होगा ठीक है क्लियर हो गया इसकी हिंदी रह गई है कोई बात नहीं बता देते हिंदी ऑप्शन नंबर सी रेनफॉल वर्षा में वृद्धि होगी या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी दोनों ए और बी दोनों होगा बताइए क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग सेकेंड क्वेश्चन पहले लिखा कीजिए फिर अपना आंसर दे दिया कीजिए हां जी बिल्कुल जो डी बोल रहे हैं निशा महावर वेरी गुड आपने डी कहा इंद्र बहा, बहादुर वेरी गुड जो लोग ऑप्शन नंबर डी प्रीति तिवारी अमृत आदित्य तिवारी ललिता दीपक कुमार बिल्कुल जो लोग ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट है बोथ स्टडी बोथ ए एंड बी वेरी गुड क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर होगा क्योंकि पेड़ नहीं तो ओ नहीं ओ नहीं तो ज्यादा सी हो गया CO2 हो गया तो CO2 ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा वेरी गुड ए और बी दोनों है इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को प्लांट्स को किन गैसों की आवश्यकता होती है बताइए ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर बताइए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर ध्यान से वीडियो देखी है और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ध्यान से सुना है तो आपका यह आंसर गलत नहीं होना चाहिए वेरी गुड आंसर मिल चुका है प्रीति तिवारी मीनू महेंद्रिया जू हाँ अच्छा ठीक है लाइक कर दो ओके ओके सभी सही है सपना बीना वसीम एजुकेशन स्टडी सोनूराज नीरज यादव इंद्र बहादुर जाक फूल नगिल वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था so, photosynthesis, uh, की प्रोसेस में सीओ टू की नीड होती है और जो गैस निकलती है वो होती है ओ टू वेरी गुड शाबाश ऑल ऑफ यू बहुत अच्छा पढ़ रही वेरी नाइस चलो जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड ऐसे प्रोसेस बताओ जो प्लांट्स uh, अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं मतलब पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रक्रिया का नाम बताएं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर सी स्टीलिंग चोरी करना ऑप्शन नंबर डी स्टरलाइजेशन बंधकरण जल्दी से बताएं वेरी गुड ऑल ऑफ यू जल्दी से सभी आंसर दे दें बहुत सही ओके okay, तो बेसिकली जो आंसर आए हैं वो आए हैं मिस ललिता राहुल प्रीति संधना दीपक कुमार सभी का आंसर क्या है भाई ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड शाबाश बहुत सही आज सभी के फुल मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि सभी लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो प्रकाश संश्लेषण वेरी गुड जब जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि होती है तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है ठीक है सीओ टू बढ़ने पर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विंटर सीजन सर्दियों के मौसम ग्लोबल वार्मिंग होगी या रेनफॉल होगा या फिर ऑल ऑफ दीज इन में से सभी होगा हाँ जी रेनु बुद्ध कह रहे हैं मेरा नाम ले ले बिल्कुल आपका नाम ले लिया है सभी का नाम नहीं ले पाते क्योंकि टाइम कम होता है और चीजें ज्यादा करानी होती है आपको ठीक है जी बताइए क्या होगा बहुत सही सभी लोग सभी पवन कुमार कह रहे हैं बी को लॉक कर दो बंधना दीप बंधना सपना वेरी गुड सभी लोग बी ऑप्शन कह रहे हो रंजना प्रिया दीपक कुमार पवन निशा राहुल प्रीति बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है भाई ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल वार्मिंग वेरी गुड शाबाश जल्दी से अपने स्कोर लॉक कर दो स्कोर बता दो कितना है फाइव आउट ऑफ कितने मार्क्स हैं जल्दी स्कोर बता दो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे उम्मीद करूंगी आज की क्लास आपको समझ आई होगी आयोगप्ट क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ जरूर सीख के जा रहे यहां से बिल्कुल जूही वेरी नाइस nice. ओके मधु कह रही है फोर आउट ऑफ फाइव वेरी गुड मधु सही स्कोर है कोमल गौतम फाइव आउट ऑफ फाइव वेरी गुड वेरी नाइस बंदना पांच में से पांच अनुराग श्रीवास्तव कह रहे हैं मैम फाइव आउट ऑफ वेरी नाइस अनुराग इंद्र भी फाइव है प्रीति फाइव मधु आदित्य सभी के फाइव फाइव वेरी गुड मीन्स सभी लोग अच्छा पढ़ रहे हंड्रेड परसेंट स्कोर लिया सभी ने बहुत कम लोग हैं जिनकी एक दो गलतियां हैं वेरी नाइस वेरी इंप्रेसिव तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगी लाइन वाइज चलेंगे कुछ कुछ टॉपिक जो बोरिंग हो जाते हैं कुछ कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हैं बट पढ़ाना तो सभी है और कोशिश करेंगे जल्दी कोर्स खत्म करें उसके बाद डेली क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे डेली आपको मजा आने वाला है तो चलिए जुड़े रहिए सब वीडियो को लाइक करके जाइएगा कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो uh, शेयर भी कर दें फिर मिलते हैं कल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय